दरअसल हम लोग की जो टीम है यशवी कैन, उन्होंने मिलकर, हम सब ने मिलकर एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चालू किया है मुमरा के अंदर। क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो है पैरामेडिकल एकदम बूम, अच्छा खासा मतलब अपॉर्चुनिटी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए और मुमरा में जब हमने एक जॉब फेयर लगाया था उसमें देखा गया है कि पैरामेडिकल में ज़्यादा वैकेंसीज आ रही थी हमें, तो हमने सोचा कि भाई पैरामेडिकल में कुछ किया जाए और मतलब स्कोप भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चालू किया यशवी कैन टीम फाउंडेशन ने मिलकर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर अभी तक 40 बच्चे लोगों ने एडमिशन लिया है, बच्चे और उनके पेरेंट्स और मुमरा के कुछ जानी एजुकेशन से रिलेटेड थे वो लोग आए थे, कुछ डॉक्टर्स वगैरह भी आए थे, कुछ पैथोलॉजी वाले आए थे, कुछ हॉस्पिटल के मालिक वगैरह आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर रहा। आपसे भी मतलब गुजारिश से पहले इब्राहिम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहर के मसाइल और मुद्दों को उठाना एक तरफ और उनको मुकम्मल तौर पर हल करना दूसरी तरफ। यशवी कैन फाउंडेशन हमेशा कोशिश करती है कि शहर के मुद्दे सिर्फ उठाए नहीं बल्कि उन्हें हल किया जाए, भले फिर वो कभी कोई शहर के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रॉब्लम रहे और एडमिनिस्ट्रेशन से जाकर मिलना हो, बच्चों की बेरोज़गारी हो तो उन्हें रोज़गार दिलाने का बात हो, या फिर ऐसे कहीं जगह जहाँ पर बेहतरीन मौके, बेहतरीन अवसर आ रहे हैं उन पर बच्चों को ट्रेन कर मुकम्मल तौर पर आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी हो। आज जो प्रोग्राम हुआ ये यशवी कैन फाउंडेशन की ही एक कोशिश है कि हमने इस शहर में एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है। इस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में तकरीबन 3 कोर्स है, नर्स बनाने वाला एक कोर्स है, लैब टेक्नीशियन जहाँ पर पैथोलॉजी या डायग्नोस्टिक सेंटर में जो खून वगैरह तपासते हैं वो, और तीसरा डाइटिशियन और न्यूट्रिशन जो लोगों को खाने पीने की सलाह देते हैं। ये सब 3 अलग अलग कोर्सेज है, डिप्लोमा कोर्सेज है 1 साल के, ये हमने शुरू किए हैं ठाणे इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के बैनर तले। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कौसा मुमरा के 10वीं पास बच्चे, ऐसे बच्चे जो अपना करियर, अपना मुस्तकबिल, फ्यूचर पैरामेडिकल या मेडिकल इंडस्ट्री में देखते हैं, वो इस कोर्स को कर अलग अलग मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड जो ऑफ सर्विसेज है उसमें काम कर सके। हमारा कल ही एक खरड़ी गाँव का जो कॉलेज है वहाँ पर विजिट हुआ, एक ऑफिशियल विजिट हमने यशवी कैन फाउंडेशन की तरफ से दी और वहाँ कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं और कौन कौन से कोर्सेज खासकर मुस्लिम बच्चों के लिए रिजर्व है, कितनी सीटें हैं, फ़ीस कितनी है, प्रोसीजर क्या है। अब आप देखिए पिछले 25-30 सालों से खरड़ी गाँव का जो कॉलेज है ये मुमरा के लिए एक नायाब तोहफा है, लेकिन तुम्हारी और मेरी बदकिस्मती रही है कि बहुत कम बच्चे हैं जो वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, ज़्यादातर बच्चे मुमरा के बाहर के आते हैं। तो एक बेदारी लाने की कोशिश हमने की कि हमारे शहर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसकी बहुत मुनासिब फ़ीस है और इस फीस के तहत बच्चे सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, ट्रैवल टूरिज्म जैसे बहुत सारे अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कोटे के अंडर। उसकी बेदारी लाने की हमने कोशिश की। देखिए जब तक किसी के पास हुनर नहीं आएगा, जॉब्स आप करते हो ग्रेजुएशन के बेस पर, मेरे साथ मोइन अशरफी मेरे दोस्त खड़े हैं, ये HR रिक्रूटर है, इनको बेहतर जवाब इनके पास होगा, लेकिन जितना मेरा जाती तजुर्बा रहा है इसे साफ मालूम पड़ता है कि BCom, BA या BSc करने से कोई एक स्पेसिफिक हुनर या स्किल नहीं आता। और बच्चा अलग अलग जगह पर इंटरव्यू देता है और जहां उसे काम मिले वो काम करना शुरू कर देता है या फिर पासपोर्ट बनाकर वीज़ा लगा के बाहर निकल जाता है या कॉल सेंटर में काम करता है। जितने भी ग्रेजुएट बच्चे हमारे शहर से निकल रहे हैं इनके पास कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई सर्टिफिकेट या कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी है। ये आज के वक्त का तकाजा है। आप भी जानते हैं लॉकडाउन में हमारी बहनों ने घरों में केक बना बना कर लोगों को खिलाया और उनके भाई या उनके शौहर या उनके वालिद जिन्होंने BCom या MBA या MCom किए वो लोग कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड अलग स्किल या हुनर नहीं था। तो इससे हमें साफ मालूम पड़ रहा है कि आप भले ही बहुत सारी पढ़ाई कर ले, लेकिन आपके पास स्किल बेस्ड नॉलेज या हुनर होना बहुत ज़रूरी है। और जितने ज़्यादा हुनर हमारे पास होंगे उतने ज़्यादा कमाने के आपके पास ज़रिए बनेंगे। ये यशवी कैन फाउंडेशन की जानिब से या हमारी तरफ से कोशिश होती है इन तमाम बच्चों को एड्रेस करने की, बताने की। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए करियर गाइडेंस का प्रोग्राम भी रखें, पाइपलाइन में है, देखते हैं इंशाल्लाह अगर तरतीब बनी तो हम जल्दी करियर गाइडेंस प्रोग्राम भी करेंगे। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा गया यशवी कैन की टीम ने,
और ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है और ऑलमोस्ट जो कि सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ है वो लॉकडाउन की वजह से होल्ड पे चली गई है, कुछ इंडस्ट्री शटडाउन हो गई है। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि उनकी जॉब चली गई है, उनके पास 1.5-2 साल से कोई काम नहीं है। टेम्पररली कुछ भी आदमी काम करने के लिए तैयार है क्योंकि उनको उनकी फैमिली को संभालना है। तो हमारे जो अभी के जो बच्चे हैं जो अभी न्यूली पास आउट हुए, तो अभी ये कोविड सिनारियो के अंदर मेडिकल्स के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। मेडिकल्स के अंदर आप देखेंगे कि पेशेंट संभालने के काम्स भी लोगों को दिए जा रहे हैं। तो अगर किसी को अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस कोविड सिनारियो में अगर उसकी कंपनी शटडाउन हो गई है, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और टेम्पररली अगर वो इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है।